लाहौर में इलीट फोर्स के यूनिफॉर्म में मलबूस सिक्योरिटी गार्ड को शहर के मसरूफ इलाके में मटागश करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि लाहौर में इलीट फोर्स की यूनिफॉर्म में मलबूस सिक्योरिटी गार्ड को शहर के मसरूफ इलाके में मटागश करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। बात करते हैं डॉन न्यूज के नुमाइंदे वसीम रियाज से। वसीम रियाज, ये मामला क्या है, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, बिल्कुल खिदमत मरकज सेंटर में बनाया गया है, वहाँ इस शख्स को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। एलीट फोर्स की यूनिफॉर्म में ये मुसलसल वहाँ पर जो है वो फिरता नजर आ रहा था, और क्योंकि वहाँ पर खिदमत मराकज में आजकल सेंसिंग सेंटर में ज्यादा रश है, जिसकी वजह से ये कुछ लोगों के साथ आता और जाता पाया गया। ये मुतद्दद बार आया, उसके साथ दो से तीन लोग होते थे जिसको अंदर छोड़कर बाहर चला जाता था। ट्रैफिक वार्डन जो वहाँ ड्यूटी पर मौजूद थे, उनमें शक गुजरने पर जब इसको हिरासत में लिया और पूछताछ की, तो ये पुलिस को कोई तसल्ली जवाब न दे सका और ना ही अपनी पुलिस के हवाले से कोई शनाख्त पेश कर सका। इसकी शनाख्त अजहर शरीफ के नाम से हुई है। बाद में मालूम हुआ कि एक प्राइवेट कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड है, जहां पुलिस की यूनिफॉर्म पहन कर जो है वो लोगों से पैसे बटोर रहा है। तमाम इसके खिलाफ फौरी तौर पर थाना गुलबर्ग में मुकदमा दर्ज करके इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। ठीक है, मुकदमा दर्ज कर लिया है, कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। तफसीलात बताए थे वसीम रियाज, आपका बहुत शुक्रिया।